सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। पिछले महीने हमने अपनी सीरीज में एक वीडियो बनाई थी जो थी पीओके को लेकर, जिसमें हमने इस बारे में बात की थी कि अगर भारत पीओके को वापस ले लेता है तो फिर उसके बाद के क्या संभावित प्रभाव हमें देखने को मिल सकते हैं। और उस वीडियो में आपकी तरफ से एक बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने को भी मिला था, लेकिन इस बेहतरीन रिस्पांस के साथ आप सभी की तरफ से हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी भी दी गई थी, जिसमें आपका कहना था कि जिस तरीके से पीओके पर हमने बनाई है उसी तरीके से अक्साई चीन पर भी एक वीडियो बनाई जाए। तो आप सभी की इसी रिक्वेस्ट पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर भारत अक्साई चीन, जो कि भारत के लद्दाख का हिस्सा है जिस पर चीन ने इलीगल तरीके से अपना कब्जा किया हुआ है, तो अगर भारत इसको वापस ले लेता है तो फिर इसके बाद के क्या संभावित प्रभाव हमें देखने को मिल सकते हैं। और इसी के साथ हम इस बारे में भी बात करेंगे कि अगर भारत अक्साई चीन को वापस लाने के लिए किसी तरह का मिलिट्री ऑपरेशन चलाता है तो वो किस तरीके का हो सकता है। और बाकी अगर आप में से कोई ऐसा है जिन्होंने अभी तक पीओके वाली वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आई बटन में मिल जाएगा, आप जाकर उस वीडियो को भी जरूर देखें। बाकी आज का ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इस एपिसोड में जो भी जानकारी दी गई है उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी एक आर्टिकल हमारी ऑफिशियल वेबसाइट defenseexpert.com पर पब्लिश किया गया है, तो जिन्हें हिंदी पूरी तरीके से समझ में नहीं आती है तो वे इस आर्टिकल के माध्यम से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं और आर्टिकल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस एपिसोड में जो अधिकतर फुटेज इस्तेमाल की गई है वो केवल रिप्रेजेंटेशनल पर्पस के लिए है। तो चलिए बातें हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये अक्साई चीन लद्दाख का हिस्सा है और इस नाते ये भारतीय क्षेत्र का एक अभिन्न अंग भी है, लेकिन चीन ने इस क्षेत्र को इलीगल तरीके से कैप्चर किया हुआ है। पर आपको ये भी पता होगा कि हाल ही के समय में पीओके की तरह ही अक्साई चीन को लेकर भी इंडियन ऑफिशियल्स की तरफ से कई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स देखने को मिली हैं। और जबकि गृह मंत्री अमित शाह पार्लियामेंट में भी ये बात कह चुके हैं कि पीओके की तरह ही अक्साई चीन को भी वापस लाने के लिए वे प्रतिबद्ध हैं। और इतना ही नहीं बल्कि जब पिछले साल पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के बीच स्टैंड ऑफ स्टार्ट हुआ था तो उसके कुछ समय बाद इसी स्टैंड ऑफ पर बात करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी कहा गया था कि चीन ने भारतीय क्षेत्र के 38,000 स्क्वायर किलोमीटर तक के एरिया को इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई कर रखा है। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ पे जिस 38,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया की बात की थी वो कोई और नहीं बल्कि अक्साई चीन ही है। लेकिन अक्साई चीन को वापस लेने के बाद क्या क्या संभावित प्रभाव होंगे ये जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये अक्साई चीन आखिर चीन के कब्जे में आया कैसे। तो जो अक्साई चीन है वो लद्दाख के पूर्व में स्थित एक प्लेन एरिया है और ये आजादी से पहले लद्दाख का ही हिस्सा था और जो जम्मू कश्मीर के डोगरा किंग के अंदर आता था। और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पर एक जॉनसन्स लाइन को भी ड्रॉ किया गया था और वो लाइन भी इस बात को स्वीकार करती थी कि अक्साई चीन भारत का ही हिस्सा है। और फिर आजादी के बाद भी भारत सरकार ने इसे जॉनसन्स लाइन को फॉलो करते हुए जो अक्साई चीन वाला एरिया है उसे भारत के मैप में ही दिखाया। लेकिन फिर जब समय आगे बढ़ा तो 1950s के दौरान जो हमारा चिंदी पड़ोसी है उसने अपनी चिंदी हरकत दिखाते हुए अक्साई चीन पर धीरे धीरे गैर कानूनी तरीके से अपना कब्जा करना स्टार्ट किया। और जिस समय चीन ने इस तरह की गतिविधि स्टार्ट की तो भारत को आजाद हुए भी ज्यादा समय नहीं हुआ था। और वैसे भी भारत ने इस हिंदी चीनी भाई भाई वाले नारे को तो काफी अच्छी तरीके से लिया, लेकिन चीन ने इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश करी। और इसका फायदा उठाते हुए चीन ने अक्साई चीन से गुजरने वाली एक सड़क भी बनाई और जिसे आज हम काराकोरम हाईवे के नाम से जानते हैं। और ये सिंजियांग और तिब्बत के प्रांतों को जोड़ता है जो कि वर्तमान समय में चीन के कंट्रोल में है। और फिर जब भारत सरकार के नोट में ये बात आई कि चीन अक्साई चीन वाले क्षेत्र पर इस तरह की इलीगल गतिविधियां कर रहा है तो ये जानने के बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक फॉरवर्ड पॉलिसी के लिए ऑर्डर दिए। और इस फॉरवर्ड पॉलिसी के मुताबिक भारत की फोर्सेस को भारत की क्लेम लाइन तक जाकर वहां पे पोस्ट को स्थापित करने के आदेश थे। हालांकि इस पॉलिसी के मुताबिक भारत की फोर्सेस केवल वहीं पर पोस्ट बना रही थी जो भारत का क्षेत्र था, लेकिन चीन ने इसका गलत फायदा उठाते हुए भारत की इस एक्टिविटी को एक एग्रेशन की तरह दिखाया और इससे उसको बहाना मिल गया भारत पर हमला करने का। और फिर क्या था, 1962 में भारत और चीन के बीच एक युद्ध हुआ और इस युद्ध के क्या परिणाम थे ये हम सभी अच्छे तरीके से जानते हैं। और 1962 का वॉर जो भारत चीन से हारा उसके पीछे कई सारे कारण थे और जिसमें एक कारण ये भी था कि जो भारत की फॉरवर्ड पॉलिसी थी उसमें कई सारी कमियां थी, जैसे कि इसके तहत सीमा पर स्थित पोस्ट पे जो सोल्जर्स को तैनात किया जाना था उनकी संख्या बहुत ही कम रखी गई थी। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी जरूरी लॉजिस्टिक या सप्लाई लाइंस मौजूद नहीं थी, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बेहद ही खराब था। और भी ऐसे कई सारे कारण थे जिसके चलते हमें 1962 का वॉर हारना पड़ा। और इसी वॉर के बाद से जो अक्साई चीन वाला एरिया है वो चीन के इलीगल ऑक्यूपेशन में है
और ये बात भी आप जानते होंगे कि 1962 वॉर के समय भारत सरकार ने इंडियन एयरफोर्स को कॉम्बैट रोल में इस्तेमाल करने की मंजूरी नहीं दी थी, और इसे भी एक मुख्य कारण बताया जाता है इस युद्ध में हमारी हार का। और बाकी 1962 में इंडियन एयरफोर्स को कॉम्बैट रोल में इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया था, इस पर हम ऑलरेडी डिटेल वीडियो पहले बना चुके हैं, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और वहां से जानकारी ले सकते हैं। बाकी यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि जो एक्साइज चीन है ये आखिर चीन के कब्जे में आया कैसे। तो चलिए अब इस बारे में बात करते हैं कि अगर भारत एक्साइज चीन को वापस लेने की कोई प्रोसेस करता है तो उसका मिलिट्री ऑपरेशन किस तरह का होने की संभावना है। तो भारत और चीन दोनों ही न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि इन दोनों देशों के बीच जो न्यूक्लियर वॉर है उसकी संभावना बेहद ही कम है, क्योंकि भारत की तरह चीन भी एक तरीके से नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के लिए कमिटेड है। तो हाँ, अगर भारत और चीन के बीच कोई बड़े लेवल का युद्ध होता है तो वो एक कन्वेंशनल वॉरफेयर होगा, और इस कन्वेंशनल वॉरफेयर में लैंड वॉरफेयर यानी कि जमीन पर युद्ध और एयर वॉरफेयर और हवा में युद्ध, ये दो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अगर बात करें लैंड वॉरफेयर की, तो अगर एक्साइज चीन को वापस लेने को लेकर कोई युद्ध होता है तो जाहिर सी बात है वो एक हाई ऑल्टीट्यूड वॉर होगा, और ये बात आप जानते होंगे कि हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वो दुनिया में सबसे बेस्ट माने जाते हैं। और एक्साइज चीन को वापस लेने वाले मिलिट्री ऑपरेशंस में हमारी पैरा स्पेशल फोर्सेस, ITBP कमांडोज या स्पेशल फ्रंटियर फोर्स कमांडोज की क्रॉस बॉर्डर कमांडो रेड्स जैसे ऑपरेशंस हो सकते हैं, और इस तरह के कमांडो रेड्स से एक सरप्राइज अटैक को अंजाम देते हुए चीन के जो वहां पर इंपॉर्टेंट बेसिस हैं उनको कब्जे में लिया जा सकता है। इसके अलावा लैंड वॉरफेयर में टैंक्स और आर्मर्ड फॉर्मेशंस भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिसमें अगर बात करें भारत ने ऑलरेडी T-72 और T-90 टैंक्स को डिप्लॉय किया भी है, और जबकि इसके बदले में चीन के पास है Ti-15 लाइट टैंक्स। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम बात कर रहे हैं एक्साइज चीन की तो वो एक हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर है, और एक हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर पर एक डिफिकल्ट सा टेरेन होने के कारण जो यहाँ पे टैंक ऑपरेशंस होते हैं वो भी काफी लिमिटेशंस में होंगे, और यहाँ पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। वहीं अगर बात करें एयर वॉरफेयर की, तो जब से पूर्व लद्दाख में भारत और चीन के बीच स्टैंड ऑफ स्टार्ट हुआ है तब से केवल इंडियन आर्मी नहीं बल्कि इंडियन एयरफोर्स ने भी सीमा पर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाया है, और अभी तो हासीमारा एयरबेस पर इंडियन एयरफोर्स के रफेल फाइटर्स के दूसरे स्क्वाड्रन को भी स्थापित करने की तैयारी चल रही है। तो आप कह सकते हैं कि LAC के दोनों साइड एरियल एसेट्स के मामले में भारत और चीन दोनों ने एक मैचिंग स्ट्रेंथ को डिप्लॉय किया है, और ऐसी भी कई रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं जिनके मुताबिक पिछले साल से चीन ने LAC के पास मौजूद अपने एयरबेसिस को काफी तेजी से अपग्रेड भी किया है। हालांकि वो बात अलग है कि इस मामले में भारत के पास ज्योग्राफिक एडवांटेज ज्यादा है। अगर देखा जाए तो इस हाई ऑल्टीट्यूड एरिया पर चीन के 3 मेन एयरबेस हैं, जो हैं कसगर, होतान और नगारी गुंसा। वहीं अगर बात करें भारत के एयरबेसिस की तो उनमें से अधिकतर प्लेन रीजन में मौजूद हैं, जिसके चलते जो इंडियन फाइटर जेट्स हैं वो अपने फुल पोटेंशियल, अपने फुल पेलोड के साथ ऑपरेट कर सकते हैं, और जबकि चाइनीज एयरक्राफ्ट एक हाई ऑल्टीट्यूड रीजन पर होने के कारण फुल पोटेंशियल के साथ ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर बात करें एयर एसेट्स की, तो भारत के पास रफेल, Sukhoi-30 MKI, MiG-29 और मिराज जैसे फाइटर्स हैं जो चीन के साथ एरियल वॉरफेयर होने पर एक बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वहीं इसकी दूसरी तरफ चीन ने डिप्लॉय किए हैं अपने J-7, J-16 और चीन के पास कुछ स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स भी हैं, और इन सबके अलावा चीन का एक सो कॉल्ड 5th जनरेशन फाइटर J-20 भी है। तो ये हो गया कि अगर भारत एक्साइज चीन को वापस लेने की कोई प्रोसेस करता है तो उसमें लैंड वॉरफेयर और एयर वॉरफेयर का जो मिलिट्री ऑपरेशन है वो किस तरीके का हो सकता है। अब बात करते हैं कि एक्साइज चीन को वापस लेने के बाद क्या संभावित प्रभाव हमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर लाइक कर दिया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं कि एक्साइज चीन वापस आने के बाद भारत के लिए एक जियो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के बारे में। तो हाँ, ये तो स्पष्ट है कि एक्साइज चीन वापस आने के बाद जो काराकोरम हाईवे है वो भी भारत के ही कंट्रोल में होगा, और जिससे अगर भारत चाहे तो सिंगजियांग और तिब्बत के प्रांत जो चीन के कंट्रोल में है उनकी कनेक्टिविटी को आपस में कट कर सकता है, और इन दोनों प्रांत के बीच कनेक्टिविटी का कट होना चीन के लिए एक बहुत बड़े सरदर्द की तरह होगा, क्योंकि जो सिंगजियांग प्रांत है वहां पर भी घुसपैठ होती रहती है, और तिब्बत भी किसी भी समय चीन के इलीगल ऑक्यूपेशन के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकता है। और ऐसे में अगर भारत ने दोनों प्रांतों के बीच कनेक्टिविटी को कट कर दिया तो फिर चीन के लिए बुरे सपने की तरह होगा, क्योंकि दोनों प्रांत इसके हाथ से जाने का खतरा बन जाएगा। इसके अलावा जो भारत और चीन के बीच युद्ध का मैदान है वो पूर्व लद्दाख से शिफ्ट होकर एक्साइज चीन में पहुंच जाएगा, और फिर एक बफर जोन के रूप में जो एक्साइज चीन है उसके साथ लद्दाख किसी भी चाइनीज एग्रेशन से एक बेहतरीन तरीके से सुरक्षित रहेगा। और जबकि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि पूर्व लद्दाख में चीन की जो हरकत चल रही है और उसने जो एग्रेशन दिखाया था उसके साथ उसका उद्देश्य था सियाचिन ग्लेशियर से भारत की कनेक्टिविटी को कट करना। और ये बात आप सभी जानते होंगे कि सियाचिन ग्लेशियर जो कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड है, ये भारत के लिए जियो स्ट्रेटेजिक रूप से कितनी इम्पोर्टेंस रखता है। तो एक्साइज चीन के वापस आने से हम सियाचिन को और भी सिक्योर कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें रीजनल जियोपॉलिटिक्स पर पड़ने वाले प्रभाव की,
तो अक्साई चीन पर भारत का वापस से कंट्रोल होना चीन के लिए इस रीजन में एक मेजर सेटबैक की तरह होगा और जो उसकी विस्तारवादी वाली सोच है उसे भी एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। और काराकोरम हाईवे भारत के कंट्रोल में आने के बाद चीन का जो ये वन बेल्ट वन रोड वाला इनिशिएटिव है इसे भी एक सेटबैक देखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ये पीओके और अफगानिस्तान में भी चीन की एक्टिविटीज को लिमिट में कर देगा। इसके बाद अगर बात करें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर पड़ने वाले प्रभाव की, तो अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो चीन का शायद ही कोई ऐसा पड़ोसी देश होगा जिसके साथ उसका कोई सीमा विवाद ना हो, और अभी ऐसे में हर कोई चीन को एक एग्रेसर की तरह ही देखता है। तो ऐसी स्थिति में अगर भारत चीन से अपना क्षेत्र वापस ले लेता है तो स्वाभाविक रूप से भारत चीन की आक्रामक नीतियों से प्रभावित देशों के लिए एक लीडर की तरह बन जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि जो एंटी चाइना प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे भारत की जो वैल्यू है वो और बढ़ेगी। इसके बाद अगर बात करें इकोनॉमी पर पड़ने वाले किसी तरह के प्रभाव की, तो ये बात तो हमने पीओके वाली वीडियो में भी कही थी कि युद्ध किसी के साथ भी हो और किसी भी तरीके का हो उसकी एक भारी कीमत हर एक देश को चुकानी पड़ती है। और अगर भारत पीओके वापस ले या अक्साई चीन वापस ले उसको भी युद्ध की कीमत तो चुकानी पड़ेगी ही। और चीन के साथ ये जो मामला है ये थोड़ा और बढ़ सकता है, और उसके भी कुछ कारण है, क्योंकि दोनों ही देशों के पास अच्छे और एडवांस वेपन्स हैं। हालांकि दोनों के ही द्वारा न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन फिर भी जो कन्वेंशनल वॉरफेयर भी होगा तो उसमें भी जो वेपन्स इस्तेमाल होंगे तो वे भी उस युद्ध को काफी विनाशकारी और महंगा बनाने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा अगर भारत को कोई भी ऑपरेशन लॉन्च करना ही है तो पहले तो भारत को अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को और बढ़ाना पड़ेगा, और जाहिर सी बात है उसको बढ़ाने में कीमत भी लगेगी। इसके अलावा जो अक्साई चीन वाला क्षेत्र है वो कुछ इस तरीके से है कि अगर आप चीन के कंपैरिजन में उसे भारत की तरफ से एक्सेस करते हैं तो एक डिफिकल्ट टेरेन के कारण आपको काफी डिफिकल्टीज देखनी पड़ेंगी। तो ऐसे में अगर भारत को अक्साई चीन पर कुछ एक्शन करना है तो पहले तो भारत को उस जगह पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा। और अगर बात करें अक्साई चीन को वापस लेते समय उभरने वाली चुनौतियों की, तो ये तो हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में जो चीन है वो भारत के कंपैरिजन में इकोनॉमिकली और मिलिटरली दोनों ही तरीके से एडवांस है, और इन दोनों चीजों में जो भारत और चीन के बीच गैप है उस गैप को पूरा किए जाने की जरूरत है। हालांकि वो बात अलग है कि इस गैप के होने के बावजूद भी अगर आप बात करते हैं पर्टिकुलर लद्दाख रीजन की, तो यहां पर फिर भी भारत के पास चीन के कंपैरिजन में कुछ पहलुओं में ज्यादा एडवांटेजेस हैं। और भले ही चीन की इकोनॉमी भारत से ज्यादा बड़ी है, वो मिलिटरली ज्यादा एडवांस है, लेकिन फिर भी हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में भारत की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो चीन से ज्यादा अच्छी है। और ये कैसे है ये जानने के लिए आप हमारे इंडिया वर्सेस चाइना मिलिट्री वाली वीडियो देख सकते हैं। हालांकि चीन के पास एक ऐसी फोर्स है जो भारत के पास नहीं है, और उस फोर्स को हम कहते हैं चीन की प्रोपेगेंडा स्पेशल फोर्स। और ये आप सभी जानते होंगे कि इसी प्रोपेगेंडा स्पेशल फोर्स के साथ चीन अपने आप को जो दिखाता है एक्चुअल में सच्चाई हमेशा उससे अलग होती है। इसके अलावा एक फैक्टर ये भी है कि हमारे एक्शन का जो टाइमिंग है वो परफेक्ट होना चाहिए, यानी कि हमें ऐसे समय पर कोई भी कदम लेना चाहिए जिस समय चीन किसी न किसी वजह से कमजोर हो, फिर चाहे उसकी कोई आंतरिक समस्या हो या फिर वो किसी अदर फ्रंट पर किसी और के साथ फुल फ्लैज वॉर पर एंगेज्ड हो। इसके अलावा हमें चीन की तरफ से आने वाले पॉसिबल रिएक्शन के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि अगर भारत अक्साई चीन को वापस ले लेता है तो चीन वापस से उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश तो जरूर करेगा, और ऐसे में भारत की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि चीन किसी भी हाल में उसे वापस ना ले पाए। और इन सबके अलावा अक्साई चीन पर एक्शन लेने से पहले भारत के जो कुछ और अन्य फ्रंट हैं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, उनको और मजबूत करना होगा, क्योंकि फिर चीन वहां पर काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च कर सकता है। इसके अलावा आप में से कईयों के मन में ये भी सवाल रहता होगा कि आखिर भारत अक्साई चीन वापस लेगा कब। तो ये तो सीधी सी बात है कि इस बात का अनुमान तो कोई भी नहीं लगा सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है भारत सरकार पर और हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस की टॉप लीडरशिप पर कि वे इसके रिगार्डिंग क्या फैसला लेते हैं। पर जिस तरह की घटनाएं अब देखने को मिल रही हैं उससे तो ऐसा लगता है कि मानो भारत अक्साई चीन से पहले पीओके को वापस लेने की तैयारी कर सकता है। लेकिन हाँ, ये केवल एक अनुमान ही है और सच्चाई इससे बिल्कुल ही अलग हो सकती है। और ये भी स्पष्ट है कि जब भी ऐसा कुछ होगा तो पहले वो हो जाएगा, उसके बाद हर किसी को मालूम पड़ेगा। बाकी अगर इस पूरे वीडियो के कंक्लूजन पर जाया जाए तो ये तो स्पष्ट है कि चीन हमेशा से ही अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर फोकस करता आया है, और इसके लिए वो कई तरह की पॉलिसीज को फॉलो करता है जैसे कि वन चाइना पॉलिसी एंड पाम फाइव फिंगर पॉलिसीज और ऐसी सब। वहीं दूसरी तरफ भारत की अपनी खुद की टेरिटरीज हैं जो कि दुश्मन के कंट्रोल में है, यानी कि पीओके और अक्साई चीन, और इनसे संबंधित कोई भी विवाद होगा तो उसमें इकोनॉमिक मिलिट्री और डिप्लोमेटिक एनर्जी सभी कुछ पूरी तरीके से खर्च होगा। और ऐसे में इस विवाद को खत्म करने के लिए कुछ लोग ये भी सुझाव देते हैं कि इसे एक तो इस तरीके से खत्म किया जा सकता है कि भारत इन क्षेत्रों पर चीन और पाकिस्तान के इलीगल ऑक्यूपेशन को स्वीकार कर ले और जो मौजूदा एलओसी और एलएसी है उसे ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा के तौर पर एक्सेप्ट करे। लेकिन इस बात को आप खुद सोचिए कि भारत जैसा देश जो एक ग्लोबल सुपर पावर बनने की काबिलियत रखता है और इस रीजन में भी एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की आकांक्षा रखता है, क्या उसके द्वारा इस तरह का कदम उठाया जाना लॉजिकल होगा? और फिर ऐसे देश के बारे में दुनिया की क्या राय रहेगी? हम ये नहीं कहते हैं कि सुपर पावर बनने के लिए अपने क्षेत्र को वापस लेना सबसे महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि एक रियल सुपर पावर बनने के लिए और भी कई सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की जरूरत है।
लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता को स्थापित करना सुपर पावर बनने वाली यात्रा में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन जरूर है, और इस पर आपको क्या सोचना है उसे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। बाकी हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कोई भी सुझाव हो, कोई भी सवाल हो, कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।